कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, अधीर रंजन चौधरी दा हो या फिर सोनिया जी हो, वो नहीं जा रही हैं 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। भाजपा हमलावर है, राम हो, हिंदू धर्म हो, वाजपेयी जी का पोखरण, परमाणु विस्फोट हो, G20 शिखर सम्मेलन हो, कांग्रेस पार्टी हर चीज का विरोध करती है जो राष्ट्रहित में है। उनके लिए देश की आजादी ही 2014 से हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी उनके वर्तमान नेतृत्व के लिए कुछ कहना बहुत आसान भी है और बड़ा कठिन भी है। आपने राम मंदिर की बात कही और कांग्रेस से उसको जोड़ा कि वो कांग्रेस से जोड़ रहे हैं। मैंने मीडिया में देखा, यूट्यूब में देखा, कल ही देख रहा था, शंकराचार्य जी चारों पीठ के शंकराचार्य जी ने कहा है कि हम वहां नहीं जाएंगे और कारणों से उन्होंने बताया कि हम नहीं जाएंगे। तो पहले तो वहां बात कर ले, सनातन धर्म की बात करने वाले पहले शंकराचार्य जी चारों ने अगर ऐसा निर्णय लिया, अगर ऐसा है तो वहां से तो बात कर लें, कांग्रेस फिर तो बहुत पीछे आएगी। जो जो बात हमारे शंकराचार्य जी ने कही है, सनातन धर्म के रक्षक कहिए या रास्ता दिखाने वाले कहिए, कौन है? मोदी जी नहीं है, कांग्रेस पार्टी नहीं है, कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो कौन, हम किनको मानते हैं? सबसे ऊपर में जिनको हम मानते हैं धर्म के मामले में, वो कौन है? उनमें से चार तो शंकराचार्य हैं, तो पहले भाजपा उनको बात करके तो सहमति दे ले।